नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश CBSE का क्वेश्चन पेपर लेकर के आई हूं, जो कि साल 2022 का है। तो बिना देर किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ आप सभी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करिएगा। और अगर आपको कोई सभी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। तो ये जो सेट है वो है सेट नंबर 2, जैसा कि आप सभी देख सकते हो। और ये क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, जैसे कि आपको अच्छे से पढ़ लेना है और आपको एग्जामिनेशन रूम में फॉलो करना होता है। और ये इंग्लिश कोर का है, इसके लिए आपको टोटल टाइम 2 घंटे का मिलता है और 40 मार्क्स का आपका ये एग्जामिनेशन होता है, जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। सेक्शन नंबर ए जो है वो है रीडिंग का, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, रीड द पैसेज गिवन बिलो। आपको इस पैसेज को पहले पढ़ लेना है और फिर इसे सॉल्व करना है। इन सारे पैसेजेस को बिल्कुल अच्छे से आप सभी पढ़िएगा और आपको यहाँ पर बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर एनी 8 क्वेश्चंस फ्रॉम द 9 गिवन बिलो। यहाँ पे 9 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें से केवल आपको 8 को सॉल्व करना है। पैसेज को पढ़ करके ही आप लोगों का इसको आंसर करना है, तो पैसेज बढ़िया से पढ़िएगा और फिर आप यहाँ पर आंसर्स लिखिएगा। और फिर यहाँ पे रीड द पैसेज गिवन बिलो है, जो कि 6 मार्क्स का है, इसे भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है और फिर क्वेश्चंस का आंसर लिखना है। तो पैसेज आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, ये देखिए बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। गाइस, अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पॉज कर लें। फिर यहाँ पे आपको बेस्ड ऑन दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर यानी 6 out of the 7 questions गिवन बिलो। यहाँ पे 7 questions दिए गए हैं जिसमें से आपको 6 को सॉल्व करना है, पैसेज को पढ़ करके आपको आंसर लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स, जो विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स हैं उनको ये करना है। ऑलराइट, अब आपको सेक्शन नंबर बी, यहाँ पे राइटिंग सेक्शंस बताया गया है, जो कि मैं आप लोगों को हमेशा बताती रहती हूँ, पढ़ाती रहती हूँ। तो राइटिंग सेक्शन में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मिस्टर एंड मिसेस अग्रवाल ऑफ पुष्प फार्म कोलकाता आर होस्टिंग अ पार्टी ऑन द ओकेजन ऑफ 21st birthday ऑफ देयर डॉटर विनीता। राइट अ लेटर ऑफ द इन्विटेशन ऑफ टू सोनाक्षी देयर नीस, गिविंग डिटेल्स ऑफ द डेट टाइम एंड वेन्यू इन अबाउट 50 वर्ड्स। ये जो क्वेश्चन है इसका जो मैं आपको अगर आंसर चाहिए होगा मैं आप लोगों को अपलोड कर दूँगी। अगर आप लोग चाहोगे तो प्लस आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है, अगर आपको इसका आंसर चाहिए होगा तो। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए एंड बी गिवन बिलो। यू आर चित्रा चेतन देशपांडे रिसाइडिंग एट आकाश नगर आगरा। यू कम अक्रॉस द फॉलोइंग क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर, राइट अ लेटर इन अबाउट 120 to 150 वर्ड्स अप्लाइंग द पोजिशन ऑफ द कंप्यूटर टीचर इन सनराइज ग्लोबल स्कूल आगरा। ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं, तो आप लोग अच्छे से इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फिर सिचुएशन वैकेंट का यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप तभी देख सकते हो, यू आर सुनील मेघा स्कूल लीडर ऑफ सुधीर पब्लिक स्कूल चेन्नई। ऑन द कंप्लीटेशन ऑफ 25 ईयर्स ऑफ मेट्रियस सर्विस ऑफ द कॉज ऑफ एजुकेशन योर स्कूल सेलिब्रेटेड इट्स सिल्वर जुबली विद द ग्रेट पॉम्प एंड शो। द सेलिब्रेशन लास्टेड 3 days एंड इन द ट्रू ट्रेडिशन ऑफ द स्कूल ईच डे वॉज डेवोटेड टू द नोबल कॉज ऑफ सर्विस। स्पेशल अटेंशन वॉज पेड टू चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स, ओल्ड एज होम्स एंड ऑर्फनेज। स्टूडेंट शेयर्स एक्सपीरियंस ऑफ वॉलंट्री सर्विस एंड द थिएटर क्लब्स पुट अप शॉर्ट स्कर्ट हाईलाइटिंग सोशल कंसर्न। राइट अ रिपोर्ट इन 120 to 150 वर्ड्स अबाउट द इवेंट टू बी पब्लिश इन योर स्कूल मैगजीन। बहुत ही ईजी है, 120 से 150 में आपको लिखना है, बहुत ही कम है और बहुत ही आसान है, आसानी से आप लिख सकते हो। हम लोगों ने इन सारी चीज़ों को ऑलरेडी कवर अप किया हुआ। अब आता है हमारा लिटरेचर का पार्ट, तो उसमें आपको अटेम्प्ट एनी 5 of the 6 questions गिवन बिलो। आपको इसमें से 6 questions दिए गए हैं जिसमें से आपको 5 questions को ही सॉल्व करना है और आपका जो आंसर होगा 40 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वर्ड्स लिमिटेड हैं तो आपको वर्ड्स का स्पेशल केयर करना है, ठीक है। तो क्वेश्चंस आप सभी ध्यान से पढ़ लीजिए, सारे फ्लैमिंगो और विस्तस से ही दिए गए हैं, तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से आंसर्स लिखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, आंसर एनी 2 of the following इन अबाउट 120 to 150 वर्ड्स ईच। 8 मार्क्स का है, ठीक है।
तो आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 2 को लिखना है केवल, और 120 से 150 में ही होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 150 तक लिख सकते हो, 150 तक, उससे ज़्यादा नहीं। रैट ट्रैप हम लोग ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं स्टूडेंट्स, अच्छे से हम लोगों ने कवर अप किया था, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से एग्जामिनेशन अपना दीजिएगा। और अगर आपको कोई सभी क्वेश्चंस में डाउट आता है, कुछ क्वेश्चन चाहते हो कि मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करूं, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, आर्ट से हो, इंग्लिश का हो, मैथमेटिक्स का, कोई सा भी हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, सो दैट आई कैन हेल्प यू ऑल। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद।